Hey viewers, welcome back to our channel Platoon FF, जहाँ पे आप खेलते हैं फ्री के कस्टम टूर्नामेंट्स, कस्टम मैचेस और उसके बाद जीतते हैं रियल कैश मनी एज अ प्राइज। तो आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करना और बूम आप हमारे पेज पे पहुँच गए। फिलहाल जो मैच चल रहे हैं ज़ार कप के राउंड टू के मैच के स्केड्यूल देखना है तो आपको फिर से इंस्टाग्राम में ही जाना है। आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है द शील्ड वर्सेस इंड आर्मी में, तो जल्दी से कस्टम रूम बनाते हैं और शुरू करते हैं मैच को। सो अपनी आज की टीम के बारे में अगर आपको बता दूं तो इंड आर्मी, मैं बेसिकली इनका नाम इंडियन आर्मी है बट यहाँ पर हम इसको इंड आर्मी ही बुलाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, इंड आर्मी बुलाया जाएगा और टीम द शील्ड। द शील्ड के बारे में क्या ही बोले आपको, उसके बारे में पता ही है क्योंकि आप इससे पहले भी प्लेटून कप में उनकी वापसी, जो उन्होंने कम बैक किया था फुल मैप में, जो तीन मैचेस हुए थे उसमें जो कम बैक किया था, वो आप जानते हैं कि इनका टीम वर्क कितना ओपी है। और बाकी इंड आर्मी की बात करूँ तो इनका टीम वर्क भी काफ़ी ओपी है। दोनों ही टीम जो है वो स्ट्रेटजी के हिसाब से खेलती है, तो आज का मैच आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है और कितना आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप एक बहुत बढ़िया तरीके से गेम खेलना चाहते हैं, अगर आपकी परमानेंट स्क्वाड है। अगर नहीं है तो भाई अपनी परमानेंट स्क्वाड बनाइए, साथ लाइए, इधर लेके आइए और मैच करिए। तो फिलहाल अभी हम गेम की तरफ को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये साहिल GMR, इसका मतलब है साहिल गेमर, इट साहिल दोनों। आपके डिस्प्ले के लिए मैं चलो सर इसको विविट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया फील आए। इट साहिल, ओ भाई यहाँ पर एक बंदा नॉक भी हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से मैंने ध्यान नहीं दिया। बाबा भाई बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, हमारे वहाँ को जो बाबा है वो उसको बोलते हैं किसी, मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड है उसको थोड़ा इज्जत दे रहे हो तो बाबा बोलते हैं, जो थोड़ा सा खतरनाक ड्यूड टाइप का लौंडा होता है। तो चलिए आगे मैच पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्रोनो का इस्तेमाल किया है, इलाइट राज बहुत अच्छे प्लेयर है। यहाँ पर पृथ्वी वाइट 4-4 की स्पीड काफ़ी गजब की है, ये देखिए स्कोप इन एंड स्कोप आउट से आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितनी गजब की है। रैम्बो +6/+6, पृथ्वी 9/9 यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। इलाइट राज क्लोज आते हुए वाइट 4-4 के, क्या वाइट 4 इनको टैकल कर पाएंगे? वाइट 4-4 ने हमारी गोली आई, इलाइट राज कोशिश करते हुए हेडशॉट लेने की बहुत ही फास्ट तरीके से गन स्विच करते हुए, और यहाँ नॉक है वाइट 4-4 ये वाइट नाम से मेरे को वाइट FF ही याद आता है। बेसिकली पूरी टीम उड़ा दी है भाई, दो ही बंदे बचे हुए हैं, साहिल गेमर ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को पता है अगर कोई बंदा फैक्ट्री पे मैच चल रहा है और आपने पिछला मैच देखा है तो डेफिनेटली वो मेडिवॉर ही करने वाला होगा। साहिल गेमर ने मेडिवॉर की तैयारी करी है ऊपर पे, नीचे को ग्रेनेड फेंकते हुए, नेट करते हुए नीचे को। क्या आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया? अगर नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर वो बैठा है और नीचे नेट कर रहा है, अगर बाय चांस नेट से कोई नॉक नहीं भी होता है तो उसकी मेडिकिट यूज़ हो जाती है और हारना बनता है। ये देखिए कितने आराम से मेडी वॉर करके जीत गए हैं। तो फैक्ट्री की स्ट्रैटेजी को समझिए आप, अगर आप फैक्ट्री में है ना तो मेरी मानिए तो मेडी वॉर ही करिए। बस तरीके आपको अब दो डिफरेंट टाइप के पता लग गए हैं, एक अगर आप फैक्ट्री की छत में चढ़ने में माहिर है तो भैया सीधे छत में चले जाइए, दूसरा तरीका नीचे नेट करिए, नेट ले जाइए लास्ट के टाइम पे नेट करिए तो एक ना एक मेडिकेट तो यूज़ हो ही जानी है, फिर तो मेडिकेट कम ही पड़ जानी है और आप जीत जाने। तो ये तो भैया स्ट्रेटजी है, नेक्स्ट एरिया की तरफ को बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेटरी बेसिकली। सो ऑब्जर्वेटरी में अब देखते हैं क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ को चलते हुए कितना होल्ड करके खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत शांति का माहौल है। बाबा ऊपर से कवर करेंगे, अरे बाबा ऊपर से कवर करने गए क्या? इंतज़ार करते हुए, बस इंतज़ार ही इंतज़ार। इलाइट राज और रैम्बो, इनके लीडर कुछ शांत से नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल शांत से होंगे या ये इनके ड्रेस से लग रहा है या इतने स्लो पेस से खेल रहे हैं, पर लग रहा है कि शांति होगी, मतलब कुछ स्ट्रेटजी दिमाग में बिठाए होंगे तभी इतनी शांति। ऐसे बाबा इंतज़ार करते हुए, इंतज़ार करते हुए, बस इंतज़ार ही इंतज़ार। पृथ्वी 9/9, इनके नाम के आगे नंबर है, मेरे को इनसे पूछना पड़ेगा नंबर क्या है। वाइट 4-4 भी इंतज़ार करते हुए, सभी इंतज़ार, कितनी तेज स्कोप इन स्कोप आउट करते हैं, क्या आप भी इतनी ही तेज करते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी स्पीड का भी अंदाज़ा बताइए हमको। सब इंतज़ार, शांति। ओ भाई यहाँ पर इलाइट राज को उड़ा दिया है वाइट 4-4 ने, वाइट 4-4 जाने की, ये वाइट 4-4 ने बहुत बड़ी गलती करी। क्या ये एक स्ट्रैटेजी थी क्या बंदे को, मतलब मोहरा बना के बंदों को पास बुला के मारने की 2% से ऊपर से कवर करते हुए? और यहाँ पर 137 का हेड इलाइट राज की तरफ से,
कवर करेंगे। यहाँ पर बाबा पीछे से कवर कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। टू पर्सन से अकेले बचे हुए हैं, नेड ही फेंके जाएंगे, नेड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऊपर जाके मारेंगे, मारने की कोशिश, दो बचे हुए हैं, क्या 2% से ख़त्म कर पाते हैं सबको या नहीं। ओ भाई मुश्किल होगा 2% से अकेले, नॉक कर दिया है, सिर्फ एक बचा है रैम्बो और इलाइट। ओ भाई दो नॉक कर दिए यहाँ पर, लेकिन लेकिन रैम्बो से बचना मुश्किल था। 2% सिख भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं एक्चुअली। ये इनका सब्स्टिट्यूट प्लेयर है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट लगा, 2% आई गेस इनके गिल्ड का नाम है और सिख इनका नाम है। इनके गिल्ड का नाम है 2% वाले, या मुझे याद आ गया, मैंने स्टार्टिंग में चेक किया था। सो बेसिकली इनका ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और जो यहाँ पर 10 शील्ड की टीम है उनकी टीम में बाबा सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और बाबा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के फॉर्म पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूट को चुनते हो ना तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता उसके पास वजह से, लेकिन यहाँ पर टाइम की दिक्कत आ जाती है तब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट लेके आना पड़ता है। इलाइट राज कोने से जाना पसंद करेंगे, बाबा भी वो रैम्बो को पहले ही नॉक कर दिया है यहाँ पर। वाइट का कमाल होगा ये, वाइट की गति का अंदाजा नहीं लगा सकते, कितने कितने मतलब होल्ड करके खेल रहे हैं सभी लोग। तो अब ये सभी लोग होल्ड करके खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली कमेंट्री में मसाला डालना पड़ेगा, नहीं तो सभी बोर हो जाएंगे। वाइट 4-4 भी होल्ड करेंगे, वाइट 4-4 के किसी ने पेट का नाम पढ़ा गया, इंतजार करो फिर से दिखेंगे तो फिर से पेट का नाम पढ़ा जाएगा। साहिल गेमर, साहिल गेमर थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दीबाजी तो नहीं लेकिन बहुत सही। यहाँ साहिल गेमर के आमने सामने पे कौन होगा देखते हैं। साहिल गेमर ने गोलियाँ मारी लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। ये फिर से ABCD का नशा है, ये आप उसको AC-80 बोले या कुछ बोले, लेकिन ये बहुत तगड़ा। इलाइट्राज ने नेट करने की कोशिश, साहिल गेमर भी नेट करेंगे, यहाँ नेड ही नेड होते हैं, मेरे को बड़ा ही मज़ा आता है अब नेड देखने में। एक्चुअली मैं भी नेट करने की कोशिश करता हूँ, अब इतना नेड नेड ही नेड हो गया है, अब दिमाग पे नेड भर गया यहाँ पर। ओ भाई स्कैलर का बहुत ही ओपी यूज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, स्कैलर से पहले ही नॉक हो गया वो। लेकिन स्कैलर वाइट 4-4 के बगल पे है, इलाइट्राज यहाँ पर ग्रेनेड करने की कोशिश, नेड करते हुए फंस जाते हैं। वाइट 4-4 ने बहुत सही टैकल कर लिया यहाँ पर ग्रेनेड को, क्या वाइट 4-4 उड़ा पाते हैं सबको। इलाइट्राज तो गए हैं, वाइट 4-4 के हाथ पे है पूरी बाजी। यहाँ पर रैम्बो बचे हैं, यहाँ वाइट 4-4, ओ भाई यहाँ पर रैम्बो के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 2% सिख और रैम्बो, रैम्बो क्योंकि छत से नीचे आएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्या करता दिखता है। ओ भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, उनके हाथ पर गन नहीं थी और रैम्बो ने कवर ले लिया तब तक। रैम्बो ने गोली मारने की कोशिश, 2% सिख बैठ गए हैं ताकि गोली ना लगे, और बहुत ही ओपी तरीके से टैकल कर लिया यहाँ पर रैम्बो ने। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा राउंड तुम्हारे हाथ से चले गया। ये 2% 6 से मिस्टेक नहीं हुए एक्चुअली, हम बहुत बार ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे हाथ पे गन नहीं होती और हम फिस्ट चलाने लग जाते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। इंडियन आर्मी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एक्चुअली, इंडियन आर्मी बोलना चाहूँगा इसको मैं, क्योंकि इंडियन आर्मी बोल रहा हूँ तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोले नहीं जाते हैं फिर, तो इसलिए इंड आर्मी बोलेंगे हम इसको, बाद में अगर ये नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ओम बाजी होने वाली है, ओम ओम और ओम, यहाँ पर से ओम चलाएंगे वाइट और वहाँ से ओम चलाएंगे बाबा, देखते हैं किसका पहला शॉट पड़ता है, वाइट का बाबा का, वाइट का बाबा का, देखते हैं। ओपी यहाँ पर बाबा को पड़ गया है वाइट का, मतलब वाइट थोड़ा सा फास्ट है तेज होने का। ओ नहीं यहाँ पर बाबा नॉक हो चुके हैं पूरे, किसी और ने नॉक किया है यहाँ पर, साहिल आ चुके हैं, साहिल ने भी ओम पकड़ी है। यहाँ पर साहिल गेमर नेट करने की कोशिश, लेकिन यही चीज़ एक बहुत बेकार होती है कि जब आप नेट करते हैं। इलाइट्राज ने बहुत सही टैकल किया लेकिन साहिल आ चुके हैं बचाने उसे, इट्स साहिल उन्हें बचाने आए हैं, ये थोड़ी गलती कर रहे हैं। ग्लू वॉल नहीं है शायद, स्कैलर का बहुत अच्छा प्रयोग। वाइट 4-4 इंतजार में, वाइट 4-4 अकेले में दो को निपटा सकते हैं। बाबा को फिर से 160 का डैमेज, बाबा भाई तुम्हारी तो ओम से थोड़ी सी बेइज्जती हो गई है, तुम्हें फिर से वो गेन करनी पड़ेगी। 2% से गया पीछे से बहुत प्यारा कवर करते हुए, पृथ्वी इधर पे है तो इलाइट्राज ने कवर किया होगा। ओ इलाइट्राज को भी 160 का शॉट मार दिया वाइट 4-4 ने बहुत ही तेज़ी से, गलती कर रहे हैं, रिवाइव करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। पृथ्वी सामने पे, रैम्बो सामने पे, ओम हाथ पे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपके हाथ पे ओम हो और आपके सामने दो चिपक जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तब टैकल करना मुश्किल हो जाता है, चाहे आपकी स्पीड भी क्यों ना तेज हो, ग्लू वॉल की ज़रूरत तो पड़ती है, शायद वो भी नहीं था वाइट 4-4 के पास पे। द शील्ड
बहुत ही ओपी टीम है, लेकिन यहाँ पे इंड आर्मी भी कोई कम नहीं है। इंड आर्मी भी बहुत सही परफॉर्म कर रही है। द शील्ड का टीम वर्क देखने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, तभी मैं द शील्ड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओ भाई, ये जो एम10 की स्किन है, ये किसको नॉक कर दिया यार, मिस कहो जा रहा है यहाँ पर। पृथ्वी 99 नॉक हो चुके हैं। मैं बंदों की स्किन देख के ना थोड़ा सा मतलब पिघल जाता हूँ, देखने में मन करता है उन्हें। जब कोई प्रेडेटर लेके आता है 7 लेवल की, या ये ऐसी लाश टंगी हुई लेके आता है M10 की, तो मज़ा ही आ जाता है, क्या ही कहें। 2% सिक इंतजार करते हुए, और ये बहुत प्यारा नेड उछल के, रैम्बो इंतजार, पृथ्वी इंतजार, सब होल्ड 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 और ओम, दो बढ़िया कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। देखो बाबा अब बड़ी मुश्किल से आगे को बढ़े हैं, फिर से बैक आके पीछे से आगे को बढ़े हैं। 2% से आगे को बढ़ते हुए घर के अंदर, एट साहिल पीछे से कवर करना चाहेंगे साहिल गेमर को। यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्काइलर यूज़ किया, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था, एट साहिल ने बहुत प्यारा कवर किया, लाइटराज को नॉक कर दिया पूरा। रैम्बो के पीछे से बंदा है, आगे भी बंदा है, देखते कैसे टैकल करते हैं साहिल गेमर यहाँ एट साहिल को रिवाइव करने के लिए। पृथ्वी 99 ने कवर किया इस बार, बाबा फिर से रिवाइव हो चुके हैं, लेकिन एलाइट राज गए हैं। साहिल गेमर का नेड मारने की कोशिश, साहिल गेमर शायद ये पिछले मैच देख के बहुत प्यारा हेड दिया है यहाँ पर, पूरी टीम निपटा दिया है। मुझे इस राउंड में कोई शॉट नहीं मिले। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बंदे हैं ना, वो पिछले के मैच देख के उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ साहिल गेमर ने नेट करने की कोशिश की, और नेट से मतलब काफ़ी डैमेज भी आ जाता है। अगर तुम्हारा नेट थोड़ा भी टच करता है तो 60 का डैमेज तो मिनिमम आता ही आता है, और तुम्हारे हाथ पर कोई दूसरी गन होती है तुम आगे को डैमेज दे सकते हो। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है ये राउंड। यहाँ पर क्या कोई एल शेप का यूज़ करेगा, क्या लगता है आपको, जल्दी जल्दी बताइए भैया, एल शेप का कोई यूज़ करने वाला है कि नहीं। देखते हैं, रैम्बो और लाइटराज एक साथ जाना चाहेंगे। वाइट 4-4, क्या फिर से किसी में ओम ओम वर्सेस ओम होती है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट्स साहिल इंतजार करते हुए, इंतजार ही इंतजार है भैया यहाँ पर, सभी होल्ड करके खेल रहे हैं, सभी को मतलब राउंड 1 जीतने के बाद ना जो राउंड 2 जीतने का मज़ा होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है। और जब ऐसा मैच हो 3-2-1-2, मतलब एक जीत रहा है फिर एक जीत रहा है ऐसा ऑल्टरनेट तरीके में, तो फिर लगता ही है डर। यहाँ AN94 उठा तो ली थी, लेकिन गोलियाँ पड़ गई भैया। बाबा कुछ करिए, बाबा कुछ शॉट मारिए, कुछ दिखाइए हमें, हेड शॉट जैसा। 2% सेक के सामने से आ रहा है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है लाइट की तरफ से, नहीं यहाँ पर मिस कर दिया है सॉरी 2% सेक ने, लेकिन पीछे से बहुत प्यारा कवर दिया है साहिल गेमर ने, बहुत प्यारा कवर। एक्चुअली में ऐसे ही कवर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ भी इनको नॉक कर दिया किसी ने। देखना पड़ेगा बाबा का शॉट तो नहीं था कहीं, बाबा ने कहीं हेड शॉट तो नहीं दे दिया था, देखने वाली बात होगी। लेकिन रैम्बो भी नॉक कर दिया, रैम्बो के सामने से दो बंदे। ओ भाई, बहुत ही ओपी हेड शॉट साहिल की तरफ से, बिल्कुल ही फास्ट। इट्स साहिल इंड आर्मी के लीडर हैं, और द शील्ड के लीडर है रैम्बो +66, और दोनों के नेचर में आप डिफरेंस देख रहे हैं। रैम्बो मतलब मैं आपको गेमिंग डिफरेंस बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं मेरे को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, गेमिंग डिफरेंस के बारे में बताऊँ तो रैम्बो +66 ऐसे दिख रहे हैं जैसे बिल्कुल शांत होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, और यहाँ पर इट साहिल ऐसे होंगे कि बिल्कुल मतलब तैयार सीधे लड़ने वाले। तो देखते हैं क्या होता है, क्या शांत टीम जीतती है या सीधे लड़ने वाली एग्रेसिव टीम, हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एलाइट्राज पीछे बैठ गए हैं, MAC 7 मैग भर दी जाए किसी के अंदर तो प्राण सूख जाते हैं, पूरे प्राण खींच लिए जाते हैं उसके अंदर से। वाइट 4-4, ओ यहाँ तो ग्लू वॉल गैप, वाइट 4-4 ओम और बाबा भी ओम, बड़ा ही मज़ा आ रहा है इनको देखने में कि कौन पहले शॉट लगाता है। शॉट तो लगना ही है, लेकिन पहले कौन लगाता है। साहिल गेमर की नेट करने की कोशिश, लेकिन ये अंधाधुन नेट तो नहीं है कहीं, कोई है नहीं और सब नेट करे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बेकार है, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सब होल्ड करके खेल रहे हैं, तो मैं भी होल्ड हो जाता हूँ थोड़ा। ओके 2% से तो काफ़ी पीछे से होल्ड करे हुए हैं, यहाँ एलाइटराज भी काफ़ी पीछे से होल्ड करे हुए हैं, बाबा थोड़ा आगे हैं, पृथ्वी भी पीछे रह रहे हैं। रैम्बो देखिए कितने शांत लीडर लग रहे हैं, हाथ में गन भी नहीं पकड़ रहे हैं,
मजा आता है ऐसे टीम वर्क को देख के, जहाँ पे लीडर डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, अगला मूवमेंट में क्या करना है। आपकी टीम में ऐसा कौन करता है जरा, कोई अगर कमेंट पे लिखना चाहे तो लिखें। ओ भाई यहाँ पर हेडशॉट साहिल गेमर को बाबा की तरफ से, बाबा ने रसीद दिया है एक हेडशॉट पूरी टीम, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका लगा यूज़ किया, पूरी टीम आ गई थी एक को रिवाइव करने में। ये बहुत घाटे का सौदा हो सकता है टीम इंड आर्मी के लिए, क्योंकि एक ही साथ आ गए थे वाइट फोर फोर, बड़ी चालाकी से नीचे को चले गए नेट करने की कोशिश। साहिल गेमर फंस चुके हैं, इट साहिल फंस चुके हैं, क्या कवर कर पाएंगे? हाँ बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर पहुंच गए। अब यहाँ रैम्बो की टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर वो नहीं मार पाए तो। क्लीन टाइप पे पृथ्वी नेट करने की कोशिश, पृथ्वी का बहुत सक्सेसफुल नेट, पूरी टीम गई, लाइट ने कवर किया खतरनाक तरीके से। एक बंदा नीचे था, इससे इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ टीम शील्ड को। टीम शील्ड की यही खासियत है, कमबैक बहुत अच्छा करती हैं, जो भी करती हैं बढ़िया करती हैं। टीम शील्ड का मैच अगर आपको देखना है ना, तो आप एक बार फुल मैप पे इनकी इनका टीम वर्क देखें, बहुत ही प्यारा टीम वर्क है इनका। एंड आर्मी भी कोई कम नहीं है। अब जरा हम इनके स्कोर पे देखें तो जैसे अब कल का मैच अगर किसी ने देखा था तो पता था कि मतलब जो नंबर टू की टीम थी ना, उसमें एक अच्छा खेल रहा था बाकी कम खेल रहे थे, और दूसरी टीम में सभी बराबर खेल रहे थे, जबकि मैच 6-6 का हुआ था, फिर लास्ट पे एक राउंड बचा हुआ था, तो आपने देखा था उसमें जीती वही जिसमें सबके किल बराबर हो रहे थे। कहने का मतलब है टीम वर्क अच्छा हो रहा था, तो यहाँ पर तो दोनों टीम है भाई। अब आप बताइए कौन जीतेगी, यहाँ कोई एक नॉक हो गया है पृथ्वी 99 जितनी बार नॉक हुआ है मिस हो रहा है। 2% सिक का डेजर्ट ईगल का बहुत प्यारा हेडशॉट उनको नसीब हो गया, जन्नत मिलेगा अब। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एलाइट राज किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार? साहिल गेमर को, साहिल गेमर ऊपर से कवर करते हुए, लेकिन यहाँ साहिल गेमर की भी बैंड बजा दी है किसी ने। रैम्बो प्लस सक्सेस, देखिए कितने शांत है अभी भी, पीछे ही है नेट करने की कोशिश। पीछे कोई है या खाली ऐसी हवा में नेट? बहुत प्यारा नेट। साहिल गेमर वहाँ पर नॉक है, क्या कोई इनको रिवाइव करने जाएगा? मुश्किल लग रहा है इनको रिवाइव करने, कोई आ पाएगा या नहीं? लेकिन ऊपर से 2% सिक की हेल्थ भी बहुत कम है। ओ भाई ये कब जीते मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया है मुझे, मैं बंदों पे ध्यान दे रहा हूँ और मैच का स्कोर ही नहीं पता कब कौन जीत गया करके। थोड़ा सा ध्यान देना होगा मुझे, कमेंट्री से बाहर आके मैच में ध्यान देना होगा। बाबा 07 ओके, तो बाबा 07 ऊपर को जाना चाहेंगे। अब बड़े ही ध्यान से मुझे मैच पे फोकस करना है। रैम्बो प्लस 66 भी उनके साथ जाना चाहेंगे। वाइट 44 बहुत पीछे, वाइट 44 को पहली गोली पड़ी बाबा की। लाइट राज बैठे हैं शांति तरीके से। सब पीछे होल्ड करके बैठे हैं, सभी लोग होल्ड करके बैठे हैं ना, तो इस शांति में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंटरटेन करते रहूँ और मैच का रिजल्ट भूल जा रहा हूँ, कौन कब जीत जा रहा है क्या हो जा रहा है करके। लेकिन फिर भी देखते हैं, यहाँ पर फिर से वाइट फोर्सर और बाबा के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस फाइट चल रही है। बाबा को पड़ी है गोलियाँ, बाबा करेंगे कुछ, वाइट करेंगे कुछ, देखते हैं किसकी बत्ती बुझती है पहले। 2% सिख भी आराम से, साहिल भी पीछे से कवर करेंगे। ये देखिए लीडर बहुत शांत रहते हैं यहाँ पे। ओके, समझने की कोशिश, कोई नॉक नहीं हुआ अभी तक का, इंतजार ही इंतजार है। ओ नहीं, कोई शॉट नसीब नहीं हुआ, यहाँ कोई नहीं है 150 का, किसी को तो शॉट पड़ा है यहाँ पर, पृथ्वी 99 को पड़ा है शॉट। पृथ्वी 99 का विंडो ग्लिच हो गया है, विंडो ग्लिच बहुत बेकार है एक्चुअल में, ये कब सही होगा पता नहीं। कोशिश करते हुए नेट करने की, रैम्बो प्लस 66 होल्ड करके खेलना चाहेंगे। बाबा ने मारने की कोशिश, लेकिन साहिल को पता नहीं है ऊपर बाबा भी है करके, लेकिन बाबा को किसी ने नॉक कर दिया है आई गेस, या नॉक कर दिया है साहिल गेमर ने। साहिल गेमर नेट करते हुए, दिक्कत हो गई है यहाँ लाइट राज के लिए, पृथ्वी के पीछे से वाइट फोर को पता भी नहीं चला, फिर से नेट करने में फंसे हैं यहाँ पर। इस बात का ध्यान देना, जब आप नेट खड़े तो पीछे भी ध्यान देना चाहिए। रैम्बो 99, पृथ्वी 99 बचे, क्या पृथ्वी 99 ये राउंड दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते, देखते हैं। साहिल गेमर अंदर ही घुस चुके हैं, ओपी दोनों साहिल एक साथ आ जाते हैं तो तबाही मचा देते हैं। ये नाम ही एक जैसा है या काम भी एक जैसा है, बहुत ही ओपी, बहुत प्यारा।
वाइट 4-4 की गति, साहिल साहिल का कॉम्बिनेशन और 2% से सब्स्टिट्यूट ओपी, रैम्बो प्लस 6-6 की स्ट्रेटजी, पृथ्वी 99 का नेड, लाइट राज का रश और बाबा 07 का कवर ओपी। तो मैंने आपको पूरी टीम की जानकारी दे दी है। तो अगर कोई टीम आगे सेलेक्ट होती है और जो फुल मैप नेक्स्ट खेलने वाले वो इनकी स्ट्रेटजी पे ध्यान दे और पता है तुम्हें इन्हें कैसे टैकल करना है, कहाँ मिलेंगे तुम्हें, जब सब शांत होते हैं तो ये हमेशा केप टाउन वाले जैसे इलाकों में मिलते हैं। कमेंट पे लिखिए सही बोल रहा हूँ या गलत। तो साहिल तो बहुत पीछे होल्ड करें, साहिल गेमर पास आ रहे हैं, शायद कुछ भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हैं। यहाँ पर मिल गई, चले ओके। बाबा बाबा भैया कुछ मांग रहे हैं, इलेक्ट्राज ने इनकार कर दिया देने से, आई गेस सो। पृथ्वी 99 कहाँ को जाना चाहते हैं? ये शायद पूरे इलाके पे नज़र रखना चाहते हैं, हमारे सबसे शांत लीडर रैम्बो। बहुत ही सही स्कोर हुआ है, अब ज़रूरत है द शील्ड को जीतने की। साहिल गेमर ने नेट किया, क्या उनको पता है? इलाइट राज को नहीं पता था और इलाइट राज पे हो गया है दो नेड और ख़त्म। ABCD का हेडशॉट दे दिया था उन्हें, लेकिन यहाँ पर उसको भी नॉक कर दिया है साहिल गेमर को, बहुत प्यारा कवर। वाइट 4-4 भी आ गया, लेकिन क्या बाबा को पता है? वाइट 4-4 पीछे से, नहीं पता था और नुकसान उठाना पड़ा इस चक्कर में। साहिल ने साहिल को रिवाइव कर दिया है। पृथ्वी 99 सिर्फ अकेले बचे हुए हैं क्योंकि वो नीचे थे, इसलिए बचे हुए हैं। देखते हैं क्या नेड कर सकते हैं। सही नेड नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाइट फोर फिर से नेड में फंस गए हैं। ये इनका थर्ड टाइम है जब भी नेड में फंसे हैं। ओपी बहुत प्यारा रश यहाँ पर 2% से, और साहिल गेमर की ड्रेस भी सेम है तो कन्फ्यूजन हो जा रही है और हाथ ऊपर नीचे हो जा रहा है, किसको देखो किसको नहीं, लेकिन फिर भी मज़ा आ गया काफ़ी। देखिए जो नेड जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है। यहाँ पर वाइट 4-4 को 3 बार नेट के चक्कर में फंसे हैं। तेज गति कितनी भी हो लेकिन नेड में दिक्कत हो जाती है। 6 राउंड जीत चुके हैं, अगर ये राउंड नहीं जीते द शील्ड तो हाथ से मैच गवा बैठेंगे। ये राउंड जीत के उन्हें अपने आप को कमबैक करना पड़ेगा। कैसे करते हैं कमबैक, अब ये लीडर पे डिपेंड है। वाइट 4-4 फिर से, वाइट 4-4 वर्सेस बाबा फिर से। ओहो 160 160 दोनों को बराबर, फाइनली बाबा ने 160 दे ही दिया है उनको। सब शांत है यहाँ पर, सब नीचे सब ऊपर, देखते हैं क्या करते हैं। साहिल गेमर ओपी, साहिल गेमर को पड़ी है गोलियाँ। इलाइट राज आगे से खेल रहे हैं। पृथ्वी 99 और रैम्बो 6-6 इतने पीछे क्यों हैं? क्या इनकी कोई स्ट्रेटजी है? देखने वाली बात है, देखते हैं। वाइट 4-4 कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी डैमेज पहुँचाए, लेकिन बहुत दूर से बहुत ही उमदा नेट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साहिल को भी 160 मिल गया है, 160 का प्रसाद मिल गया है ओम का। ओके तो सभी पीछे इंतजार करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रैम्बो की कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी है, तुम दोनों आगे से उनको थोड़ा सा मौका मतलब वो रखो, उनको थोड़ा बिजी रखो जब तक का जोन छोटा ना हो जाए, फिर हम लोग लड़ते हैं। ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है आखिरकार, देखते हैं ये क्या ये ही स्ट्रेटजी है इनकी। एक तो उड़ा दिया है इन लोगों ने, लेकिन वाइट 4-4 कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। नेड आते हैं तो दिक्कत हो सकती है, नेड बढ़ते जा रहे हैं। साहिल यहाँ पे साहिल गेमर उड़ा दिए हैं, ये भी नॉक कर दिए हैं सिर्फ बाबा। पूरी टीम रिवाइव हो चुकी है। ये स्मोक वाला बॉम्ब कौन कर गया? जिसने भी स्मोक वाला बॉम्ब किया थोड़ी गलती कर दी है, उनको बढ़िया से टाइम मिल गया। वाइट 4-4 के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, 3 जने उनको ऊपर से मार रहे हैं, लेकिन साहिल भी कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर उनको लपेटते रहें। 2% से कहाँ गए? OP 160 का शॉट ये पूरा ख़त्म कर दिया है। वाइट 4-4 भी ख़त्म कर दिया है, पूरी टीम रैम्बो ने ख़त्म कर दिया है। बहुत सही तरीके से टैकल किया है रैम्बो की, यही बात मुझे अच्छी लगती है उनकी स्ट्रेटजी, काबिले तारीफ, बड़ी सही तरीके से टैकल किया। मुझे ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि फैक्ट्री में उनकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से है कि वो दोनों आगे से कवर करके मतलब थोड़ा सा टाइम उनको व्यस्त करेंगे, और फिर उसके बाद तो वो लोग जब एक कोई नॉक हो जाए, टीम कमज़ोर पड़ने लगे, फिर नेट की मदद से रश कर देंगे। ऐसा कुछ करते हैं मैंने बहुत बार गेम में देखा है। देखते हैं अब क्या होता है, इस राउंड को कौन जीतता है आखिरकार। रैम्बो फिर से खड़े हो गए, फिर से शान। वाइट 4-4 साहिल ओके, साहिल गेमर बीच रोड में रश कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर कम है ना। ओ भाई यहाँ बाबा को नॉक कर दिया गया है,
क्या बाबा को कोई रिवाइव करने आता है? ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इनकी टीम के लिए, क्योंकि लाइटरा जा रहे हैं उनको रिवाइव करने। वाइट फोर फोर आगे, वाइट फोर फोर ने नेट किया, अगर ये लाइटराज पे पड़ता है तो दिक्कत हो जाएगी पृथ्वी पे। सॉरी, ये क्या हो गया यहाँ पर, पृथ्वी भी नॉक हो गए हैं। वाइट फोर फोर ने रश कर दिया है, अब तो पूरी टीम गई। ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। यहाँ से रैम्बो को भी मारने पे लग गए हैं। इट्स साहिल लीडर वर्सेस लीडर, साहिल ने पूरा लपेट दिया है, ख़त्म। और बस अभी लाइट राज बजे हुए हैं, लाइट राज को भी पीछे से मार दिया 137 का, बहुत प्यारा हर्ट 2% सेक का। और बहुत ही अच्छे तरीके से इंड आर्मी पहुंच चुकी है हमारी फाइनली फुल मैप के लिए। देखने वाली बात बनती है, एक के नॉक होने से पूरी टीम गई, दिक्कत हो गई यहाँ पर थोड़ी सी। लेकिन 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन आर्मी, नेक्स्ट मैच होगा हमारा टीम FF किंग और फ्लाई हाई पे, देखना ना भूले, जरूर आइएगा उस मैच को भी देखने। आज का मैच कैसा लगा जरूर कमेंट पर नीचे बताइए। क्या आपको कैसा लगता है जब एक होल्ड वाला मैच देखते हैं, या स्ट्रेटजी देखने में मज़ा आता है या नहीं, या आपको रश गेम प्ले में मज़ा आता है, वो भी कमेंट पर लिख के भेजिए। बाकी अगर आप टीम रजिस्ट्रेशन करने चाहते हैं तो एक और बार इंस्टाग्राम के थ्रू आइए, रजिस्टर करिए और अपनी टीम का भी नाम रजिस्टर करिए और मजे कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।